सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पिज़्ज़ा लक्से क्लासेस एंड फेसबुक पेज पिज़्ज़ा लक्से क्लासेस। गाइस जो है आज शाम के जो है 5 बज चुके हैं। आप सभी को पता है हमेशा जो क्लास होती है आपकी 5 बजे की, जिसमें ESIC, DSSB, PGI, इसके अलावा GMCH, RML, नॉर्थसेट मेंस, RRB, CHO और सभी स्टेट की स्टाफ नर्स की वैकेंसी जितनी भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी वैकेंसीज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट क्लास जो होती है वो जो है उसका टाइम हो चुका है। आज अपने 34th क्लास है, ठीक है, 34th मतलब 34वीं क्लास है। ऑलरेडी 33 क्लास यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना। पिज़्ज़ा लक्से क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना, वहाँ पर लिखा है ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप 33 क्लासेस देख लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, 95% क्वेश्चंस कवर करने का प्रयास करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इस किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो है नॉर्थसेट प्रीज से पहले 27 क्लासेस ली थी जिसमें से 30 से 35 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन लेते तो पूरा पेपर इधर ही कर लेते, ठीक है। तो सारे लोग जो है हमेशा हमारे साथ 5 बजे जुड़े, अभी तक आपने पुरानी क्लासेज नहीं देखी तो एक से लगाकर 33 सारी क्लासेज देख लेना। जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी करवा रहे हैं, सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना। अब ये क्लासेस जो है ओनली फॉर सब्सक्राइबर रहने वाली है, इनके सब्सक्राइबर को ही दिखेगी, बाकी लोग जो है नहीं देख पाएंगे इनको, ठीक है, तो सारे लोग सब्सक्राइब अभी से कर लेना, ठीक है। इसके अलावा पिज़्ज़ा लक्से क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जो है क्लिक करके फॉलो कर लेना या फिर फेसबुक पर जाकर पिज़्ज़ा लक्से क्लासेस सर्च करके फॉलो कर लेना। जी हाँ, कल अपन ने पेपर को पूरा कर लिया था, 100 क्वेश्चन हो गए थे, उसके PDF मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पिज़्ज़ा लक्से क्लासेस में दे दी है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो जहाँ पर 14,000 लोग जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम पे जाएं, पिज़्ज़ा लक्से क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें या फिर लिंक जो है उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लोग जो है एक बार सारे लोग शेयर कर दो फटाफट से, फिर जो है अपन कंटिन्यू करें। आज की क्लास बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, जी हाँ, इसलिए क्योंकि आज जो क्वेश्चन अपन डील करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार और एग्जाम में सीधे छपने वाले और ओनली जो है सिंगल लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है, अपने आपको कॉन्फिडेंट कर लो वीडियो को लाइक करते हुए और सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए जो है कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आज हम लेके आए हैं, जो कि पुराने एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 34th क्लास है, 33 क्लासेज आप जाकर देख लेना, हमेशा 5 बजे हमारे साथ जुड़ जाओ। और चलिए अपन शुरू करते हैं। हाइवर्जन कैनाल आर फाउंड, यानी कि हाइवर्जन कैनाल जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, ऐसा पूछा गया है, बोन्स में, ब्रेन में, किडनी में या लंग्स में। सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताओ हाइवर्जन कैनाल जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है। स्क्रीन शॉट लेके सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो अपनी कॉपी में छापते रहना, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लेना, बाद में कॉपी में लिख लेना, ठीक है, नोट्स बनाते जाना। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, पुराने जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के क्वेश्चन अपन इधर जो है कर लेंगे, तो फिर जो है पीछे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। हाइवर्जन कैनाल हमेशा जो है लॉन्ग बोन, जैसे कि फीमर वगैरह होती है, लॉन्ग बोन में पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है बोन का ऑप्शन है ए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके ए जाने वाला है। हाइवर्जन कैनाल जो है वो बोन्स में पाई जाती है, विशेष करके लॉन्ग बोन, ठीक है, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, सभी के एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने लायक है और इजी क्वेश्चन है। हीट रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पर पाया जाता है, ये पूछा गया, ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर सेरिब्रम, ठीक है, तो सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देते जाए। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक करते हुए आंसर देते जाएगा फटाफट। कहाँ से क्लास देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स बता दो और कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मल्टी एग्जाम्स के लिए, मल्टीपल जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज रहने वाली है, विशेष करके ESIC, DSSB, RML, RRB और नॉर्थ साइड मेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सही आंसर आपके यहाँ पर जो है फटाफट से भी आंसर जो है सभी लोग लिख दो, करेक्ट आंसर जाने वाला है बी, हाइपोथैलेमस में जो है आपके हीट रेगुलेटिंग सेंटर पाया जाता है, ताप नियंत्रक सेंटर। अगला क्वेश्चन, मिडल सेल आर प्रेजेंट, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीन शॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना। पहली बार सुन रहे होंगे कुछ लोग तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मिडल सेल एक प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, नर्व सेल होती है, न्यूरॉन्स है, जो कि कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया, ठीक है, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा, मैं देखता हूँ कौन कौन से आंसर दे रहा है। किडनी, मिडल वॉल, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट या फिर ऑप्टिक नर्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड सभी लोग। यहाँ पर जो है न्यूरॉन्स, आप सभी को पता है जितने भी नर्वस सिस्टम के, जैसे कि नर्व क्रैनियल नर्व्स होती है, उनमें पाया जाता है विशेष करके, तो यहाँ पर जो है आपको सीधा सा आंसर बता दूँ आपको इसका, तो इसका सही आंसर जाने वाला ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में जो है आपके मिडल सेल पाई जाती है, मिडल वॉल में नहीं होती। मिडल सेल जो होती है वो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होती है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है उसमें होती है, ठीक है, सूंघने में काम आती है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी, बहुत बढ़िया सभी के एकदम से यार। एक बार फिर से जो है मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक करते हुए अपने आपको कॉन्फिडेंट करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते थे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर को ही क्लासेस दिखेगी, हमेशा 5 बजे आप जुड़े, एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी और क्वेश्चन पेपर जो है उसको अपन फाड़ कर रख देंगे, बस टेंशन नहीं लेने का, सीधा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्जामिनर को उसके औकात दिखा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे। सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर ऑफ द आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। सेंसिटिव होती है और पिगमेंटेड लेयर होती है आई की, वो कौन सी है, कॉर्निया, रेटिना,
स्क्लेरोटिक या फिर आयरिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, इसका आंसर फटाफट से दे दीजिए। कॉर्निया है क्या, रेटिना है क्या, स्क्लेरोटिक है या आयरिस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। सभी लोग लेखो, 50-60 लोग जो जुड़े हैं सभी लोग आंसर दोगे तभी मजा आएगा, ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। तो रेटिना इज करेक्ट आंसर, ठीक है। रेटिना जो है वो पिगमेंटेड लेयर होती है आई की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द निजल्स ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्व सेल आर मेड अप ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 7 स्टार क्वेश्चन। स्क्रीन शॉट लेकर कॉपी में चाह लेना, पहली बार सुन रहे होंगे कुछ लोग तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जाती है वो जो कि एग्जाम मान लगी होती है, और एग्जाम पर अपन बैठते हैं तब अपने को लगता है कि कुछ पहली बार चीज़ें हैं, तो वो पहली बार नहीं लगे और आपको देखे देखे क्वेश्चन लगे, इसलिए जो है 95% इस क्वेश्चन आप सही करके आए और आपका सिलेक्शन श्योर हो, इसलिए आप लगातार हमारे साथ 5 बजे जुड़े और पिछली 33 क्लास जरूर देख ले, ठीक है। पीजल लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निजल्स ग्रेन्यूल नर्व जो होती है, नर्व सेल होती है, वो कहाँ पाई जाती है? उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है, किससे बनी होती है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम या प्रोटीन? यहाँ पर जो है रफ एंडोकुलम जो है रेटिकुलम पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी आरी आरी ने रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता तो वो आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर जो है इस जो है ऑप्शन के अनुसार, इन ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो राइबोसोम इस करेक्ट आंसर, ठीक है, राइबोसोम से ही आंसर रहने वाला है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। तो नेजल ग्रेन्यूल ऑफ नर्व सेल पाया जाता है, सॉरी जो बना होता है वो राइबोसोम से बना होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कल मैंने हिंज जॉइंट के बारे में आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जॉइंट वगैरह ये आगे अपन जैसे जैसे क्लासेज में आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एक बार मैं एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपको जो है कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, इसलिए अपन आराम से पढ़ते हैं। हिंज में मैंने आपको बताया था कि ये यूनि डायरेक्शनल, इसमें जो है मूवमेंट होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाती है। इसमें 3 उदाहरण मैंने आपको बताए थे, एक तो था एल्बो, एक होता है नी और एक होता है एंकल, ठीक है, तो तीसरा होता है एंकल। ये तीनों आपको याद रखने थे। आज पूछा गया है कि जो आपके सैक्रम और कोक्सिजियल कोक्सिक, ठीक है, यानी सैक्रोकोक्सिजियल जो होता है, सैक्रोकोक्सिजियल जो आपके जॉइंट होता है वो किस प्रकार का जॉइंट है, ठीक है, सिम्फाइसिस, साइनोस्टेसिस, साइनोकॉन्ड्रियोसिस या फिर सिंडेमोसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपके जाने वाला है ए, सभी लोग आंसर देते जाएंगे फटाफट से, ए करेक्ट आंसर रहने वाला है, सिम्फाइसिस प्रकार का ये जो है आपके होता है जॉइंट। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। आज के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सीधे छपते हैं, ठीक है। द मेन सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ यूरिन, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, इसमें से जो है मेन सॉल्यूट कंपोनेंट कौन सा होता है यूरिन का? यूरिया, ग्लूकोज, एग्लूटिन या फिर जो है यूरोबिलिनोजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सारे लोग आंसर देंगे तब मानूंगा कि हाँ, सारे लोग एक बार जो है जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने आपको कॉन्फिडेंट कर दो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और इसका आंसर फटाफट से दो कमेंट बॉक्स, बहुत बढ़िया। तो जो है मेन सॉल्यूट होता है कंपोनेंट होता है सॉल्यूट कंपोनेंट जो आपके यूरिन में पाया जाता है उसको अपन यूरिया कहते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर जाने वाला है यूरिया। यहीं पर जो है एनिमल्स में पूछा जाता तो यहाँ पर जो है अमोनिया हो जाता, अमोनिया करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर यूरिया इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो में आंसर दीजिएगा फटाफट से। एक बार कहाँ से क्लास देख रहे हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप बताओ मेरे को एक बार, मैं रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर जो है, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर दो तभी। हाँ वेरी गुड, सभी को आ रहा है समझ में, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट, ऑल इंडिया से हमारे साथ जो है लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि लगातार आप सभी के लिए ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट लेके कॉपी में छाप लेना। ओव्यूलेशन से रिलेटेड मैंने पढ़ाया था कि ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, कितने दिन का पीरियड होता है, तो उसमें कौन से दिन का होता है, वो सारी चीज़ें आपने पिछली क्लासेज में देख लिया। आज पूछा है कि साइट ऑफ ओजेनेसिस, ओजेनेसिस मतलब क्या है, ओवा का निर्माण जो होता है, अंडा बनता है, उस प्रक्रिया को अपन ओजेनेसिस कहते हैं, और जब स्पर्म बनता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ओजेनेसिस की साइट कौन सी होती है, मतलब कहाँ पर यह बनता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है ओवरी, ओवम, ओसाइट या ओविडक्ट। तो ओविडक्ट में तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब ओवा जो आपके होता है और स्पर्म जो है वो दोनों मिलते हैं ओविडक्ट में, ठीक है। ओविडक्ट को अपन फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। वो साइट्स जो होते हैं वो आपके इमेच्योर सेल होते हैं, ओवम ये मैच्योर सेल है, लेकिन यहाँ पर होता किसमें है, जो ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो आपके ओवरी में होता है, तो करेक्ट आंसर जो है ये गोनेट्स है, फीमेल गोनेट्स, ठीक है। फीमेल गोनेट्स का नाम पूछा जाए कभी भी तो ओवरी है, ओवरी में ही ओजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है ये जाने वाला, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, बॉन इज एग्जांपल ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, इजी क्वेश्चन है। बॉन जो है किसका एग्जांपल है, ठीक है,
कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्व टिश्यू या फिर मसल टिश्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये शरीर में अबंडेंट मात्रा में, इन सबसे ज़्यादा पाया जाता है अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसमें यदि कनेक्टिव टिश्यू में भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड होता है, ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, तो सारे लोग जो है ये याद रखें। और यहाँ पर जो है बोन भी एक प्रकार का, बोन हो चाहे कार्टिलेज हो, ये सारी जो है कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है, ठीक है, बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अफेरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इंपल्स फ्रॉम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, फाइव स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके जरूर कॉपी में छापना। अफेरेंट और इफेरेंट दो प्रकार के होते हैं, एक अफेरेंट यहाँ पर देख रहा है आपको, और एक होता है इफेरेंट नर्व, ठीक है, इफेरेंट, अफेरेंट एंड इफेरेंट। इफेरेंट जो होता है वो आपके जब भी जैसे कोई भी सेंसरी ऑर्गन है यहाँ पर, यहाँ पर जैसे आपको कोई किसी ने टच किया या फिर जो है आप एड के कांटेक्ट में आए, और यहाँ पर जो है सेंसरी ऑर्गन के थ्रू दो प्रकार की नर्व्स निकलती है, और यहाँ पर है आपके ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, ब्रेन याद रखना, थोड़ा सा डायग्राम में सही नहीं हूँ लेकिन फिर भी, एक तो आपके नर्व इधर जाएगी और एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे जलने का आवास हुआ, जो इम्पल्स लेके जाती है उसको कहते हैं अफेरेंट, ठीक है, अफेरेंट, और जो आपके रेस्पॉन्स लेके आती है ब्रेन से कि हाथ हटाओ फटाफट से, उसको कहते हैं इफेरेंट, ठीक है। यानी CNS से सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन जो होता है उससे जो आती है रिसेप्टर की तरफ उसको कहते हैं इफेरेंट, और रिसेप्टर से CNS की तरफ जाती है उसको अफेरेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अफेरेंट पूछा है, मतलब रिसेप्टर टू CNS, इनकी करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाने वाला है बी जाने वाला है। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, सभी को आ रहा है, बहुत ही अच्छा। तो एक बार सारे लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पीजे अलग से क्लासेज फॉलो, टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन जरूर कर लेना, फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7-स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन जो बनते हैं वो हर एक एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है। एक तो पूछा जाता है कि मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा में जो है आपकी लॉन्ग कौन सा होता है, तो मेल यूरेथ्रा होता है हमेशा, ठीक है, मेल इज लॉन्ग देन फीमेल, ठीक है, पहली बात तो ये। एक पूछा जाता है कि मोस्ट प्रॉन कौन होता है इन्फेक्शन के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन किस में लग सकता है, तो वो फीमेल में लग सकता है, ठीक है, फीमेल यूरेथ्रा में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी शॉर्टनेस के कारण, यानी कि उसकी लेंथ जो होती है वो कम होती है, इसलिए वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। इसकी लेंथ फीमेल यूरेथ्रा की पूछी जाए तो 4 से 6 सेंटीमीटर होती है, इसको आपको याद में रखना है। मेल यूरेथ्रा की होती है 18 से 20, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर कहीं 22 भी आ सकती है, तो 18 से 22 करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, इसको आपको याद में रखना हमेशा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच बैक्टीरिया इज नॉर्मली प्रेजेंट इन वजाइना। अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है इस बैक्टीरिया का नाम सुन के आपको दही की भी याद आ सकती है, कोई बातें आती है तो कौन सा बैक्टीरिया जो है नॉर्मली जो है प्रेजेंट होता है वजाइना के अंदर, ठीक है, फीमेल वजाइना होती है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस या कोरिनोबैक्टीरियम स्पीसीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे लोग जो है 5-स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीन शॉट की कॉपी में जरूर छाप लेना, और सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से दीजिएगा एक बार। और अभी तक आपने चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो है क्लासेज जो है ओनली फॉर सब्सक्राइबर रहने वाली है, और एग्जाम तक चलेगी, ठीक है, प्रत्येक एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी, जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगी उसकी डिमांड पर उसके क्वेश्चन ज्यादा लेंगे अपन, ठीक है। बहुत बढ़िया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस पहले भी मैंने कहा था, दही की याद आ सकती है, तो आपको वो नहीं करना है, चलो जो आपके ख्याल आ रहे, लेकिन इसमें जो है नॉर्मली वेजाइना में जो आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के नाम से जाना जाता है, और वेजाइना की पीएच इसी कारण जो है एसिडिक होती है। ये भी पूछा जाता है कि एसिडिक पीएच किसके कारण होती है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड ग्रुप फॉर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन, मैं चाहूँगा जितने भी 50-60 लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर देंगे इसका, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो है पहली बार किसने खोजा था, ब्लड ग्रुप जैसे ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है, कार्ड जो है, तो इसकी जो है खोज किसने की थी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, सभी के एकदम एक मुंह सही जवाब आ रहे हैं, बाकी वाले क्या सो रहे हो क्या या आपको आ नहीं रहा है। बहुत बढ़िया, तो करेक्ट आंसर कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज उन्होंने की थी सबसे पहले। करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज प्राइमरली फीड द एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5-स्टार तो लगा ही दो इसको, ऊपर भी जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कौन सी आर्टरीज जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है किसको, एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो एंटीरियर वॉल होती है उसको ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होती है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी या फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर देंगे कि जिसके जिसको आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं सही करवा रहा हूँ ना आपको, ऐसे सही करवाएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर जाने वाला है, सभी मैं इंतजार कर रहा हूँ, सभी लोग आंसर दे तो फिर मैं बताऊँ आपको, ठीक है। यानी कि कौन सी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है,
लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, करेक्ट आंसर इज सी, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 5 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेस्पिरेशन रेफर टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, आज के क्वेश्चन जो है मैंने कहा था वन लाइनर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है ये पूछा गया, वेंटिलेशन, गैस एक्सचेंज विद इन लंग्स, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन विद इन सेल, या ऑल ऑफ दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन जो होता है जिसमें आप दो प्रकार की क्रिया करते हैं, एक करते हैं इंस्पायरेशन मतलब सांस को अंदर लेते हैं, और एक करते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। तो दो प्रकार की जो क्रिया होती है उसको अपन कंप्लीट रूप से रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में आप सभी को पता है वेंटिलेशन होता ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जाती है, हवा जाती है अंदर, गैस एक्सचेंज होता है, बिल्कुल होता है लंग्स में एल्वियोलाई के बीच में जो होता है, और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन विद सेल, यानी जो भी अपन रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो होता है सेल में, टिश्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ दीज अबाउ करेक्ट आंसर है, सभी के एकदम सही आंसर है, ऑल ऑफ में तो आप सारे लोग मुझे बताया था कि एक्सपर्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, एक बार फटाफट से बताइए, यस या नो आंसर दो फटाफट से, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रेस्पॉन्स का। रेस्पॉन्स बहुत कम दे रहे हो और क्लासेस बंद हो सकती है, ठीक है। तो सारे लोग जो है आज अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, जो भी साथी आप सभी को बताए सबसे ज़्यादा शेयर करता है उसको पीजे लक्ष्य क्लासेस का कॉम्बो सेट, जो कि 100% एग्जाम में सलेक्शन के लिए काफ़ी होता है, उसको मिलता है, क्योंकि पैसों से नहीं मिलता, ओनली जो सबसे ज़्यादा शेयर करता है उसी को मिलता है। और यहाँ पर जो है कल के जो विजेता है हमारे रेनू गोयत, ठीक है, रेनू गोयत फ्रॉम मथुरा, उन्होंने जो है ये कल का कॉम्बो पैक पाया है, हमने उनसे कांटेक्ट करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया है उनको, तो जल्द उनको मिल भी जाएगा, ठीक है। जो भी अभी देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि बहुत जल्द मिल जाएगा आपको, और आज जो सबसे ज़्यादा शेयर करें उसको भी कॉम्बो शेट हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट बाय क्लाइंट नर्स इंडिकेट ए रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि जो है क्लाइंट कहता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट के थ्रू ये नर्स पता लगाती है कि उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। आई एक्सरसाइज एवरी डे, एक्सरसाइज करने से कोई सीएडी थोड़ी होता है, ठीक है, और माई फादर डाइज मायस्थेनिया ग्रेविस, गलत है, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। माई कोलेस्ट्रॉल लेवल इज 180, या आई स्मोक डेड पैक्स ऑफ सिगरेट, मतलब सुट्टा बहुत ज़्यादा लगा रहा, 15 सिगरेट डेड पैक, ठीक है, कौन कौन सिगरेट पीता है, नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है, जो भी क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, जो ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसको सीएडी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मोस्ट जहाँ यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है वो डी रहने वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लिकेशन कार्डिक कैथेटराइजेशन शुड द नर्स मॉनिटर फॉर द फॉर इन द इनिशियल 24 आवर आफ्टर प्रोसीजर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार है। किसी पेशेंट को जो है आपके कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब हार्ट में कैथेटर लगा है, उसको प्राइमरीली जो यानी कि शुरुआत के 24 घंटे में जो है नर्स क्या चेक करेगी, किसका रिस्क हो सकता है, ठीक है, एंजाइना एट रिस्क, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, डिजीनेस, फॉलिंग ब्लड प्रेशर, क्या वहाँ पर एंजाइना होगा, गलत है, डिजीनेस वगैरह ये कोई प्राइमरी नहीं है, लेकिन थ्रोम्बस फॉर्मेशन होते ही वहाँ पर हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर कैथेटराइजेशन हुआ है तो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, और वहाँ पर यदि उस वेन या फिर आर्टरी में जहाँ भी कैथेटराइजेशन किया है वहाँ पर यदि थ्रोम्बस बन जाता है तो ब्लड सप्लाई आगे रुक जाएगी, और इस कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस है, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में अपने छाप लेना, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन, द नर्स इज परफॉर्मिंग ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट पोस्टीरियर राइट सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट, ठीक, सीवीए हुआ है जो कि पोस्टीरियर राइट साइड में, ठीक है, सीवीए सेरिब्रो वेस्क्यूलर एक्सीडेंट हुआ है, विच फाइंडिंग इज ऑब्जर्व बाय द नर्स वुड वारंट इमीडिएट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अटेंशन, यानी कि इसमें से जो है कौन सी फाइंडिंग के पर जो है इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा, अटेंशन दी जाएगी, ठीक है, डिक्रीज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, अल्टर्ड सेंसेशन ऑफ स्टिमुलाई, या इमोशनल लाइबिलिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो इमोशनल चीज़ है वहाँ पर कोई इलाज नहीं करेगी, स्टिमुलाई से कुछ नहीं है, यदि वहाँ पर ब्लैडर यानी कि कोई यूरिन पास भी हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी वो अनकॉन्शियस ना हो जाए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा ए, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में छाप लेना, बहुत ही सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कौन सी ड्रग है जो ट्रीटमेंट के लिए काम में ले जाते हैं, किसके हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड की मात्रा बढ़ी हुई, थायरोक्सिन जो है वो ज़्यादा स्रावित हो रहे हैं, इस कंडीशन में उसको जो है कौन सी ड्रग्स दी जाएगी। तो यहाँ जो है जब भी थायराइड की अधिकता होती है हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं उसको, और उस कंडीशन में अपन हमेशा ल्यूगोल सॉल्यूशन जिसको स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन भी कहते हैं वो यूज़ में लिया जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा आपके सी, सी इज करेक्ट आंसर, स्क्रीन शॉट लेके कॉपी में छाप लेना, ल्यूगोल सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, कहाँ से क्लास देख रहे हैं एक बार फटाफट से मेरे को बताना, और कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं फटाफट से बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सारे लोग कमेंट बॉक्स बता दो, ए नर्स एंटर ए क्लाइंट रूम, क्लाइंट रूम में जाती है नर्स, डिस्कवर दैट पर क्लाइंट जो है पल्स नहीं है वहाँ पर और रेस्पिरेशन भी नहीं है, आफ्टर कॉलिंग हेल्प, हेल्प हेल्प के लिए बुलाने के बाद में जो है पहला एक्शन क्या लेगी नर्स खुद, ठीक है, नर्स यहाँ पर जो है एक रूम है
और यहाँ पर क्लाइंट सो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर से नर्स आती है और अंदर जाती है तो पता चलता है कि क्लाइंट जो सो रहा था उसमें कोई रेस्पिरेशन ही नहीं है, कोई पल्सेशन ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको जो है कॉल फॉर हेल्प, यानी कि हेल्प के लिए बुलाना, डॉक्टर को बुलाना। उसके बाद में जो है क्या करना वो पूछेगा, स्टार्ट ए पेरीफेरल आई लाइन से क्या होगा, और इनिशिएट क्लोज द चेस्ट मसाज, चेस्ट मसाज देंगे क्या, बिल्कुल गलत है। एस्टेब्लिश एन एयरवे, बिल्कुल सही है। और क्रैश चार्ट, यहाँ पर चार्टिंग करेंगे तब तक तो भगवान को प्यारा हो सकता मरीज। तो वहाँ पर जो है आपको हो सकता है कि रेस्पिरेशन पल्सेशन जो है ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है, तो वहाँ पर जो है एयरवे आपको चेक करना है। सबसे पहले तो उसको जो है पोजीशनिंग, सक्शन वगैरह, और उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है प्रायोरिटी में आती है। तो करेक्ट आंसर सी जाने वाला है, समझ में आ गया। कुस्मोल रेस्पिरेशन जो है या कुस्मोल ब्रीदिंग एसोसिएटेड विद, ये जो है हमारे स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीन शॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। कुस्मोल ब्रीदिंग जो होती है वो किस में पाई जाती है, न्यूमोनिया, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जिसको अपन DKA कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है ये आपके COPD के पेशेंट जो होते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ उसमें पाया जाता है, ठीक है। जो कि ज़्यादा क्रॉनिक आपके जो स्मोकर होते हैं उनमें जो है COPD होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्रॉनिक स्मोकर में पूछा जाता है क्वेश्चन हर बार, ठीक है। तो यहाँ कुस्मोल ब्रीदिंग किस में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से सभी लोग जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे, तभी पता चलेगा कि अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट कर दो वीडियो को लाइक करते हुए, ठीक है। बहुत कम लोगों ने लाइक किया अभी तक, जो है 31 लाइक आए और 60 लोग आप देख रहे, तो फटाफट से जो है लाइक कर दीजिएगा जाकर। अभी कुस्मोल रेस्पिरेशन जो कि डायबिटिस मेलाइटिस में जो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जहाँ पर DKA भी लिखा था तो भी करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर जो है बी आंसर सही रहने वाला है। कुस्मोल ब्रीदिंग जो है हमेशा DKA में, यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में पाया जाता है। स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 7-स्टार क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट लेके कॉपी में छापना, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो कि एग्जाम आने लायक है और एग्जाम तक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमेशा आप 5 बजे हमारे साथ जुड़े, ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़ भी यहाँ पर मिलेगी, और उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा, तो सारे लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फियोक्रोमोसाइटोमा इज एसोसिएटेड विथ, यानी फियोक्रोमोसाइटोमा जो है एक प्रकार का कैंसर होता है, ठीक है। ये कैंसर होता है, ये किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, ठीक है। एड्रिनल, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज या थायराइड ग्लैंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7-स्टार क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसमें एक प्रकार का जो आपकी कैंसर उत्पन्न होता है जिसको ट्यूमर कहते हैं, ट्यूमर उत्पन्न होता है उसको अपन कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा जो है आपके एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड था, स्क्रीन शॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना, करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला ए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 प्रकार के टेस्ट आपने सुने होंगे, वेबर और रेने टेस्ट, ठीक है। एक तो होता है रेने टेस्ट, रेनेज टेस्ट, और एक यहाँ पर जो है वेबर टेस्ट। ये दोनों जो है किससे रिलेटेड ये पूछा जाता है, ईयर प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम या कार्डिक प्रॉब्लम, फटाफट से आंसर दीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, स्क्रीन शॉट लेके कॉपी में जरूर छापना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाए, अपने आप कॉन्फिडेंट करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, फटाफट से, बहुत बढ़िया। तो रेने टेस्ट और वेबर टेस्ट जो होता है वो हियरिंग लॉस का टेस्ट है, ठीक है। ईयर का भी लिखा होता तो भी सही था, हियरिंग लॉस के लिए जो है ये टेस्ट किए जाते हैं। हियरिंग एड को जो है आपके सिर पर रखा जाता है और वहाँ पर जो है देखा जाता है कि कितने यानी कि यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल जो है आपके हियरिंग लॉस है, ये सारी चीज़ें आप आगे जो है आपको पढ़ाते जाएंगे। नर्स पेशेंट रेशियो इन ICU, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5-स्टार क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम पूछा जाता है। ICU जो होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ पर जो है नर्स पेशेंट रेशियो क्या होता है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जनरल वार्ड में आपके होता है 1:4, ठीक है, 1:4, तो ICU में जो होता है वो 1:2 होता है, ठीक है, तो 1:2, तो 1:2, यानी कि नर्स और पेशेंट, ये भी आपको याद रखना, 2:1 नहीं होगा, नर्स पहले लिखा है उसके बाद में पेशेंट लिखा है, तो नर्स 1 होगी और पेशेंट 2 होगा, तो 1:2 करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाने वाला है डी, सही आंसर जाने वाला है डी। 24th क्वेश्चन में आपके करेक्ट आंसर डी, सभी को समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। एक बार सारे लोग जो है एक मोस्ट वीडियो को लाइक करेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अभी, एक बार सारे लोग जाओ और वीडियो को लाइक करो फटाफट से। कुछ लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब होता तो हमारी टीम भी आपके लिए मेहनत कर रही है, तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बस आपसे मांग क्या रही है, सिर्फ एक लाइक जो कि हमारी टीम का हौसला अफजाई करे कि हाँ हमने जो कंटेंट दिया है वो लोगों को पसंद तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मत करो, और कमेंट बॉक्स में बता दे जाओ कि कौन से एग्जाम की तैयारी करें, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक कर लेना, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। MI का पेशेंट है, कोई भी मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन का पेशेंट है, उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, एरिथमियास, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑल ऑफ द अबव, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर देंगे इसका, ठीक है। CHF बिल्कुल होता है, एरिथमिया यानी कि हार्ट की रिदम बिगड़ जाती है, बिल्कुल बिगड़ जाती है, कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो है आपकी ब्लड की सप्लाई कम हो सकती है MI के कारण, और जो है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर, इसका जो है सही आंसर जाने वाला है डी, ठीक है।
तो सभी लोग एक बार जो है डी लिख देंगे आंसर में, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर विद इन द लास्ट इंच ऑफ द डिस्टल रेडियस इज नॉन, फाइव स्टार क्वेश्चन है और जो कि इसका फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। फ्रैक्चर विद इन द लास्ट इंच ऑफ द डिस्टल रेडियस, यानी कि लास्ट इंच मतलब क्या है कि एक सिरे पे किसके डिस्टल रेडियस के एक सिरे पर जो है फ्रैक्चर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कूलिज, पोर्ट्स, एडवर्ड्स या नन ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया, फ्रैक्चर जो होता है आपके डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस उसको क्या कहा जाता है, तो आप सभी को बताओगे, मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो उसको अपन कहते हैं डिस्टल एंड का जो आपके बहुत बढ़िया, सभी के एकदम सही आंसर भी आ रहे हैं, तो डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस जो फ्रैक्चर होता है उसको कूलिज फ्रैक्चर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ जाने वाला है ए। स्क्रीन शॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, एक बार टाइम दे रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन शॉट लेने के लिए, तो फटाफट से कूलिज इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर क्रॉन्स डिजीज। बहुत बढ़िया, तो इसमें से जो है कौन सी लोकेशन एलिमेंट्री कैनाल की है जो कि मोस्ट कॉमन जो है आपकी ससेप्टेबल होती है किसके लिए, क्रॉन्स डिजीज के लिए, जहाँ पर जो है ज़्यादा क्रॉन्स डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, ऐसी कौन सी जो है साइट है, डिसेंडिंग कॉलन, जेजुनम, सिग्मोइड कॉलन या टर्मिनल इलियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो तो एक शानदार सा कमेंट हमारी टीम के लिए ज़रूर छोड़ देना ताकि हम पिन करेंगे, और इसके अलावा जो है कल 5 बजे और क्लास होगी तो आप उस समय भी जुड़ना, एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी। ESIC, DSSB, RML, RRB, NORSET, मेंस, PGI, GMCH, स्टाफ नर्स, कोई भी स्टेट की, केंद्र की, तो इन सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज रहने वाली है। वादा हमारा 95% क्वेश्चन इन्हीं क्लासेज में से आएंगे, करना कुछ नहीं, हमेशा 5 बजे हमें 1 घंटे का टाइम जो है वो देना है, उसके बाद आप कुछ भी करो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पढ़ाई करोगे अच्छा रहेगा। तो सारे लोग जो है हमेशा 5 बजे हमारे साथ जुड़ना। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी, वो भी वीडियो साथ साथ देखते जाना, क्या पता कौन सी भर्ती में आपका किस्मत चमक जाए। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना, कैसी लगी क्लास वो भी बताना है। पीजे अलग से क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं या फिर जो है फेसबुक पर जाएँ, पीजे अलग से क्लासेस सर्च करके हमें फॉलो कर ले, ठीक है। तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ देना, मिलते हैं विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ के साथ और कल 5 बजे क्लास में भी। थैंक यू सो मच।